दबंगों की पिटाई से घायल कल्लू कचौड़ी चौराहा निवासी व्यवसायी कृष्ण कुमार केसरवानी की मौत हो गई थी। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी शुक्रवार को व्यवसायी के घर पहुंचे। मंत्री को देखकर पत्नी और बच्चों ने पूरी बात बताई। मंत्री ने परिजनों को हौसला बढ़ाया और हत्या आरोपियों के खिलाफ सख्त से कार्यवाही किए जाने का भी आश्वासन दिया। नंदी ने कहा कि हत्या आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही होगी कि उनकी सात पुश्तें याद रखेंगी। तो वहीं मृतक व्यवसायी की पत्नी ने मंत्री को बताया कि उनके पति की हत्या की गई है। तो वहीं मृतक की पत्नी के साथ ही परिजनों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही बरते जाने का भी आरोप लगाया। कहा कि जिस दिन घटना हुई व्यवसायी कृष्ण कुमार को मारा पीटा गया, उस घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस नहीं दिखा रही है। अगर सीसीटीवी फुटेज देख लिया जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं मृतक व्यवसायी के परिजनों ने मंत्री से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की है, जिस पर मंत्री ने हर संभव मदद किए जाने और सरकार तक उनकी बात पहुंचाने को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने मृतक के परिजनों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।